Come on.
जय जय देव है। कितने हरे कृष्ण मंगल गीता। ये भजन कहीं भी गाओ तो वो मंगल मंगल ही होता है। गुरुदेव कोई भी अच्छे काम जो करते थे पहले ये कीर्तन शुरुआत करके करते थे, क्योंकि ये कीर्तन का नाम ही मंगल गीता है। कहीं अगर ये कीर्तन होगा तो घर का मंगल मंगल ही है। और ठाकुर जी कहीं भी रह नहीं सकते, भगवान को दौड़ दौड़ कर कहाँ आना पड़ता है अगर ये भजन कहाँ पर जहाँ पर हो। बोले जय जय देव हरे, 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 जय जगन्नाथ हरे, जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलाल, जय यशोदा
लेकिन जब एक बार वो असली चीज को देखा उसने, उसने अपना मन को कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरे घर में आकर के उसकी जो कम उम्र की पत्नी ब्राह्मणी थी, उसने वो ब्राह्मणी को उसने त्याग दी। अब त्याग दे करके फिर वो वैश्या को साथ में उसने रहना शुरू कर दिया। हाँ देखो, इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, वो जो जो गंदी गंदी जो मूवी आती है और जो गंदी गंदी सिनेमा गंदी उल्टा पुलटा चीज है ना, वो हमें नहीं देखनी चाहिए। देखो वो इतने इतने बड़े संजय में था, है इतने बड़े संजय में सारे सद्गुण उसका अंदर में थी, लेकिन उसने एक बार केवल गंदी चीज को देख लिया, उसने अपना मन को कंट्रोल नहीं कर पाया। अपना पत्नी सुंदरी पत्नी ब्राह्मण घर की पत्नी को त्याग दे करके फिर उसने वेश्या के साथ में रहना शुरू कर दिया। यहाँ शिक्षा देते हैं हमें, ये गंदी गंदी जो मूवी आती है ना, ये चीज को हमें नहीं देखनी चाहिए। पहले आप लोग तो भारत ही देख रहे, भारत देख, आपने कभी डाइवोर्स का नाम सुने भारत में? अपना पिता मात्र देख ले बिल्कुल। अब अपना पिता मात्र का भी भारत में डाइवोर्स का नाम था, लेकिन अभी भारत में भी 50% डाइवोर्स है। भारत में भी जैसे अब जितने पुराने लोग यहाँ होंगे, जब तुम्हारी शादी हुई कभी तुमने पति को देखने गया था? पति कभी तुम्हें देखने के लिए आई थी? पति कभी देखने के लिए आए थे? नहीं। पिता माता ने जहाँ पर अपना कुल मर्यादा के अनुरूप, पिता माता ने जहाँ पर उसने देख लिया, लड़का लड़की आँख बंद करके वहीं शादी कर सकते और जिंदगी भर प्रेम में रह सकते, है ना। लेकिन अभी ऐसे नहीं, उसका फोटो देखने पर भी नहीं होगा, पता नहीं काली हो उसको गोल तो नहीं कर देते ना? है कितने लंबी चौड़ी है, कितने लिखी बड़ी है, पता नहीं वो तो चोटली तो नहीं है। इसलिए हम बात करके देखना चाह रहे हैं, उसको साथ में घूम करके देखना, पता नहीं कितने कितने शर्त है, तभी भी नहीं टिक रही, तभी भी शादी टिक नहीं रही। लेकिन पहले ऐसे कुछ नहीं था, पहले पिता माता जहाँ पर एक घर सीख लिया, पिता माता जहाँ पर उन्होंने देख करके शादी करवा दिया ना, वहीं पर शादी कर लेते थे और जिंदगी भर बड़े प्रसन्न पूर्वक जिंदगी भर आनंद ग्रहण करते थे, है ना। इसलिए ये जितने सारे गड़बड़ी का जो कारण है ना, कभी ये जितने सारे गड़बड़ी का कारण है, ये इंटरनेट टीवी है, इंटरनेट टीवी मोबाइल स्मार्टफोन सारी चीज निकल निकल के सब सब जीवन को, ये सब के सब हमारी ये उल्टा पुलटा सारे जीवन को कर रहे हैं, जितने उल्टा पुलटा सारी चीजें हो रही है। इसलिए साइंस वो जितने एडवांस कर रहे हैं ना, कहते एक तरफ में एडवांस है और दूसरे तरफ में खतरा है, दूसरे तरफ में खतरा है। इसलिए कहते ये अजामिल ने एक बार केवल आंखों में ये असलियत देखा, ये गंदी चीज को केवल एक बार में देखा, लेकिन एक बार देख करके अपना इंद्रियों को वो कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन अभी के सारे बच्चों को तो 3 वर्ष स्मार्टफोन में है, 3 भर उसका संग कर रहे हैं, स्मार्टफोन का 3 वर्ष उसको लेकर के उसको वही सारा जीवन का सब वही हो गया, सब जीवन की हो गई, इसलिए जितने गड़बड़ी गड़बड़ी हो रही है। इसलिए उसने एक बार देखा तो उसने बुद्धि भ्रष्ट हो गई, भ्रष्ट होकर के एक वेश्या के साथ में रहना शुरू की और जितने तरह का बच्चों को 10 बच्चे हुए और उनको पालन करने के लिए जितने गद्दा गद्दा काम उसने किया, लेकिन किसी तरह से छोटा बेटा का नाम नारायण रख लिया था और सबसे छोटा बेटा सबसे प्यारा होता है। अभी वो बात बात बेटा नारायण मेरे लिए पानी ले आ, बेटा नारायण तो कहाँ हो, बेटा नारायण मेरे गोद में आ जा। सबसे छोटा बेटा सबसे प्यारा होता है, सबसे प्यारा होता है छोटा बेटा। अभी दिन भर नारायण 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 बात जैसे माला जप करते हैं ना, ऐसे नारायण 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 और अंतिम समय में हम जो कर्म करते हैं काय मन और बाकी से ये सारे काम करते हैं, इसलिए अंतिम समय में 3 जपदूत उसको लेने के लिए आए हैं, 3 उसको जपदूत लेने के लिए आए, क्योंकि हम जो काम करते हैं काय मन और वाक्य से करते हैं।
अभी तीन जमदूत को उन्होंने देख करके वो तो डर गया। उसने डरते हुए जोर से उसने चित्कार करके अपना बेटे को दूर में देखा, बोला बेटा नारायण। ये कितना अच्छा है ना रा या ना विचार करते हैं। एक तरफ में चार विष्णु दूत, दूसरे तरफ में तीन जमदूत, दोनों में घमासान लड़ाई हुई। कहते उसको कौन लेगा, जमदूत लेगा ना विष्णु दूत लेंगे। जमदूत कहते हम ले जाएंगे, विष्णु कहते हम ले जाएंगे। हैं तब विष्णु दूत ने पूछा तुम लोग है कौन, बोले हम धर्म राजा के दो से। बोले धर्म का नाम पर अधर्म कर रहे हो, बोले अधर्म क्या, हमको बताए ये कौन। ब्राह्मण घर में जन्म लिया, पत्नी सुंदरी पत्नी थी, उसने अपना पत्नी को त्याग दी, पेशा को साथ में रहा, उसकी हाथ की अमेध्य कुमेध्य उसने भजन किया, सारे कोई गंदा काम ने जो काम नहीं किया। दस दस बच्चे हुए, पालना करने के लिए चोरी गुंडा सब कुछ खराब बुरे काम किया, इसलिए सीधा करके जाएगा। बोले भैया तुमने अभी तो कुछ किया। बोले क्या पुण्य किया, बोले अंतिम समय में जो भगवान का नाम लिया। बोले वाह जिंदगी भर पाप करो और मरते समय एक बार नाम लिया हो गया क्या, हो गया तुम्हारी। तब विष्णुदूत कहते हैं मूर्खो तुम्हें पता है भगवान के नाम में कितने संस्कृत में पता है, इसलिए बोलना हरि से बड़ा हरि का नाम। हमने उदाहरण दिया है जैसे भूस का कहते जैसे पहाड़ हो, नहीं तो रूई का कोई पहाड़ हो, अगर उसमें एक आग की चिंगारी पड़ जाए तो उसको जला करके ध्वंस कर देता है, इतने शक्ति एक आग की चिंगारी में। और कहा भगवान का नाम, भगवान से बढ़कर के भगवान का नाम है। उन्होंने भगवान का नाम लिया कुछ नहीं हो गया। बोले भगवान का नाम कब लिया, बोले भगवान का नाम क्या लिया, वो तो अपना बेटे को बुलाया नारायण, अपना बेटे को बुलाया, भगवान का नाम कब लिया। तो उन्होंने कहा देखो वो जो नाम है किसके नाम है, ये भगवान का नाम उसको धराया गया था, उसको धराया गया था भगवान का नाम है। इसलिए उन्होंने बताया जब उसने अपना बेटा का नाम नारायण रख दिया था उसको सारे पाप खत्म हो गए। लेकिन उसने जो बारंबार बेटे को नारायण नारायण बुलाया, ये हो गया जैसे माला जप करते हैं। और अंतिम समय में वो जो भगवान का जो नाम लिया है ये भगवान की विशेष कृपा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले जनामा मोहि जाता ना कराई अंतरामा कहिया बतनाई। इसमें दो अर्थ देते हैं, बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराए, बोले मुनि लोग जन्म जन्मांतर जतन करने पर भी अंतराम कहीं आवतना, अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं निकलता। ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं तब अंतराम कहीं, तभी अंतिम समय में भगवान का नाम निकलेगा। और अंतराम कहीं फिर आवत नहीं, कोई कोई कहते हैं ना अभी से क्या भजन करेंगे, जब बूढ़े बूढ़ा बूढ़ी हो जाएगा ना, रिटायर लाइफ हो जाएगी, किसी काम का हम नहीं रह जाएंगे, एक दो भगवान का माला कर ले, अभी बचपन से हरी हरी भगवान का नाम करने का क्या जरूरत। कोई कोई कहते हैं ना गोस्वामी तुलसीदास जी कहते नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। जैसे देखो आप लोगों को कोई नौकरी मिला होगा, जैसे कोई पीएचडी कोई इंजीनियर डॉक्टर, कितने साल तक आप लोगों ने पढ़ाई की है, 25 साल तक पढ़ाई की है। लेकिन आपकी जब एग्जाम हुआ होगा ना, एक घंटा के लिए कहीं एग्जाम हुआ होगा, लेकिन उसमें आप नौकरी मिली, लेकिन उसके लिए कितना दिन तक पढ़ाई करना पड़ा है, 25 साल तक पढ़ाई करना पड़ा। आपको पता होगा कितने कष्ट पढ़ाई का, कितने कष्ट है, कितने कष्ट से हम लोगों ने पढ़ाई किया होगा, आपको ये बात पता होगी। जब दूसरा क्लास में जाना पड़ता है ना, 12-12 घंटा 13-13 घंटा 15-15 घंटा बैठ करके हम पढ़ाई करते हैं इतना। और कल जैसे एग्जाम, एक दिन पहले तो रात भर सोते नहीं, अब इंडिया के बच्चों को पूछो रात भर सोते नहीं, पूरा पुस्तक को लेकर के दिमाग में पूरा जाते हैं एग्जाम देने के लिए। ऐसे 25 साल कितना लाख रुपया खर्चा हुआ,
इंडिया वालों को कुछ उनको पता होगा कितने लाख रुपया खर्चा हुआ 25 साल पढ़ाई में, लेकिन एग्जाम दिया कितना दिन, जो लास्ट में जो नौकरी मिलता है ना बस एक घंटा कोई एग्जाम दिया होगा नौकरी, उसके लिए 25 साल तक पढ़ाई, 25 साल तक पढ़ाई करना पड़ा। तो उसी तरह भगवान की भक्ति है, जब तक बचपन से भजन की आदत नहीं डालेंगे अंतिम समय में भगवान के नाम पर मुझसे नहीं निकलेंगे। इसलिए भगवान की भक्ति बचपन से शुरू करनी चाहिए। इसलिए प्रहलाद ने बच्चों को बड़े सुंदर एग्जाम्पल दिया, जो छोटे छोटे बच्चों को बोले भजन करो, बोले अभिषेक 5 साल हो गए अभिषेक क्या बोले भजन करेंगे, जो रिटायर्ड लाइफ हो जाएगा अभी तो पढ़ाई लिखाई करेंगे, नौकरी चाकरी करेंगे, बेटा बेटी होगा शादी शुदा देख करके, जो किसी काम का नहीं रह जाएंगे रिटायर्ड हो जाएंगे तो भगवान की भक्ति करेंगे। तो प्रहलाद कहते देखो बच्चों कौमार आचरित प्राज्ञम जो विद्यमान है वो 5 साल उम्र से भक्ति करेंगे। बोले क्यों, उन्हें 5 साल, बोले जैसे कोरे कागज है, कोरे कागज में जो लिखोगे ना वो तो स्पष्ट दिखेगा, लेकिन एक बार लिखने के बाद उसको ऊपर 2 बार लिखने के लिए जा वो दिखेगा, वो दोनों ही जाएगा। जब मिट्टी जब कच्चा रहती है देखना, वो कच्चा मिट्टी में आप कुछ बना सकते हो, मिट्टी जब पक जाती है कुछ फिर बनती है उससे, मिट्टी जब पक जाए फिर उसमें कुछ बनती है, वो कुछ नहीं बनती है, हैं? बांस जब कच्चा हो उसको टेढ़े कर सकते हो, लेकिन बांस जब पक जाए वो टेढ़ा होगा, वो टूट जाएगा लेकिन वो टेढ़ा होना वो टेढ़ा नहीं होगा। जैसे पौधा जब छोटा रहता है, अब एक जगह से उखाड़ करके दूसरी जगह में लगाओ वो पौधा जम जाएगा, लेकिन पेड़ जब बड़ा हो जाए उखाड़ करके फिर जमेगा वो फिर नहीं जमती है। फूल जब खिला हुआ हो उसको हम ठाकुर जी के चरण में समर्पण करते हैं, फूल जब सड़ जाती है मुरझा जाती है फिर ठाकुर के चरण में चढ़ता है, फिर वो फिर ठाकुर के चरण में नहीं चढ़ती है, बोले रिटायर्ड लाइफ में करेंगे, बोले सरकार रिटायर क्यों करता है, जब देखता है किसी काम का तुम नहीं रह गया बेकार रिजेक्ट हो गया, ले जाओ घर में जाओ, जो होने का तुम्हारी हो गया घर में चले जाओ, तभी रिटायर करता है, तभी तो रिटायर करता है। इसलिए जब तुम दुनिया से रिटायर हो गया किसी काम का नहीं रह गया तब फिर भगवान की भक्ति क्या करोगे, भगवान है अभी रील में जो भरा हुआ होगा वही तो निकलेगा, रील में जो भरोगे वही तो निकलेगा। आप देख लो भजन के लिए ठाकुर के सामने बैठे 10 मिनट बैठे भजन के लिए ठाकुर के सामने बैठे के भजन करेंगे, देखना 1 मिनट भी मन नहीं लगेगा। बोले क्यों, बोले रील में जितने गंदी गंदी जिंदगी भर घर में सारे कचरे जो घर में अब सोचो लो निकलेगा कहाँ, जो भरा हुआ तो वही निकलेगा ना। इसलिए प्रहलाद कहते हैं बच्चों भक्ति बचपन से होती है, बुढ़ापा में नहीं, वो मना कर दिया, वो बुढ़ापा में भजन नहीं होता उन्होंने एकदम मना कर दिया। बुढ़ापा मीरा ने कितने उम्र से भजन की, बुरी बन करके ध्रुव ने, प्रहलाद ने, तुलसीदास ने, हनुमान से कोई बूढ़े बनकर भजन किए, कोई भी बूढ़े बनकर भजन नहीं किए, भजन किए तो सब जैसा बचपन से भजन किए। इसलिए यहाँ पर विष्णुदूत कहते हैं, ये विष्णुदूत कहते हैं इसने जो भगवान के जो नाम लिया है वो भगवान का नाम उसको धराया गया, ठाकुर जी नाम उसको धराया गया था लेकिन वो भगवान का नाम है। तो उन्होंने बताया देखो भगवान का नाम चार ही तरह से भगवान का नाम कल्याण करता है, बोले कैसे कैसे, बोले संकेत्य, संकेत्य मतलब है जैसे किसी बच्चे का नाम भगवान का नाम धरा दिया फिर बच्चे को बराबर बुलाओ बेटा इधर आ जा नारायण इधर आ जा गोपाल। इसलिए अपना भारत में देखना जितने बड़े बड़ों का नाम पूछ लो सबका नाम कृष्णा गोविंद दामोदर सीता सावित्री ऐसे सारे ऐसे नाम हो गए ना, सबका सब पूछ लो भारत में जितने बड़े बड़ों का नाम पूछो सब ठाकुर का नाम हो। लेकिन अभी ये अंग्रेजी सभ्यता आकर के अभी बच्चों का नाम भगवान टुन्नू बुन्नू टिक्की जितने कुत्तों का नाम है ना सारे कुत्तों का नाम विदेश में जो कुत्तों का नाम बच्चों को कुत्तों का नाम करवा दो, बोले भाई हम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं ना, हम अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित हो गए भगवान का नाम कैसे लेते हैं कल्याण नहीं हो जाएगा भाई। इसलिए नाम रखेंगे तो कुत्तों का नाम रखेंगे। आप वृंदावन में जाओ, वृंदावन में जाओ वहां पर देखना वो अंग्रेजी की मैट है, अंग्रेजी मंदिर है इसको अंदर, अब छोटे छोटे बच्चों को देखना क्या नाम है सब कृष्ण गोविंद दामोदर, कोई उल्टा पुलटा बच्चों का नाम नहीं रखते, वो हमारी संस्कृति को वो ग्रहण कर रहे हैं और अब नहीं हम तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ना।
बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित कर रहे हैं, और वो जो लोग जो नफरत हो गए जो फेंक लिया चीज को, वो जैसे फट्टे फुटे कपड़े पहनते हैं, प्यार को फाड़ करके, हम भी ऐसे प्यार को फाड़ फूड करके ऐसे कपड़े सब जो पहनना शुरू कर देते हैं। अपना जो संस्कृति है ना, हमें अपना संस्कृति को हमें नहीं भूलनी चाहिए, अपना संस्कृति को हमें अपनानी चाहिए। इसलिए आप लोग भी सबके सब भारत से आए, इसलिए अब लोग सबके सब भारत से आए इधर आकर के इनके रंग में नहीं रहने का है, अपना रंग में इनको रंगा और इनका रंग में नहीं रहने का, अपना रंग में रंगा। देखो यहाँ पर देखो कुछ हमारे प्रभु कुछ भक्त लोग गुरु जी के शिष्य लोग बैठे हुए भाई ऑस्ट्रेलिया से पता नहीं अलग अलग जगह सबके सब देखो ये अंग्रेज लोग इनके गले में देखो तुलसी कैंटे देखो सब तुलसी कैंटे देखो सबके सब तिलक लगाए हाँ देखो सब तिलक लगाए। अरे हम लोग हिंदू है ना, हिंदू है ना, हिंदू है। अगर आपको पूछूंगा बताओ ना गीता का एक श्लोक बताओ तो यहाँ पर कौन हिंदू है यहाँ पर जो गीता का एक श्लोक बता सकता है? एक प्रॉब्लम ये तो लगता है, लेकिन अगर पूछूंगा कौन हीरो का नाम बताओ तो सारी याद सारी गंदी गंदी चीज को याद करके हम करते हैं। लेकिन कोई भगवान की भक्ति की कोई जो चीज है ना उस चीज को याद नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ जो भक्त लोग बैठे हैं देखो कुछ लोग अब गीता का श्लोक तो कुछ सब गीता का श्लोक होता है, हमें रामायण की कथा सुना दे, भागवत की कथा सुना दे, ये अंग्रेजी लोग हमारी शिक्षा में शिक्षित हो रहे हैं, हमारी संस्कृति में ये लोग सीख रहे हैं। इसलिए हमें अपना संस्कृति को ध्यान रखनी चाहिए, अपना संस्कृति को हमें रक्षा करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए इनकी संस्कृति में हमें डूबनी नहीं चाहिए, अपना गीता भागवत रामायण ये सब चीज में हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे। इसलिए भगवान का नाम हर तरह से किसी तरह से अगर भगवान का नाम मुंह से निकल गया तो हमारी कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप सबके सब मेरे पीछे पीछे सबके सब ताली बजा देंगे मेरे पीछे पीछे गिर करते ये बच्चे को ना सब पीछे भेज दो, बच्चे खेलते रहते इनके बच्चों को सब पीछे भेज दो, तुम लोग सब पीछे जाइए उधर से पीछे जाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदशते श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज गौरव महाराज अन्य वैष्णव वैष्णवी माता पिता सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। आज हम लोगों का बहुत अच्छा दिन, हमारे श्री विमला माता जी और उनके दोनों सुपुत्र, क्या नाम हमारे बेटा का, कार्तिक है कपिल है, इन लोगों ने अपना घर में भक्तों को बुलाई। आज हमारे घर में भगवान का कीर्तन होगी और घर में सत्संग हो, इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते हैं, बोले पार्वती जगत में सब चीज आसानी से मिलती है, लेकिन पार्वती जगत में दो चीज बड़े किस्मत वालों को प्राप्त होती है। तो माता पार्वती प्रश्न करती हैं, बोले प्रभु आप कौन सा दो चीज के लिए कहते हो, बड़े बड़े भाग्य से ये दो चीज मिलती है। तो शंकर जी कहते हैं, बोले संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ द्वय सूत दारा और बीता श्री पापी को भी होए। शंकर जी कहते पार्वती जीवन में भगवान की कीर्तन और जो भगवान की जो कथा पार्वती, ये बड़े किस्मत वालों को ये चीज मिलती है। धन दौलत पुत्र परिवार किसको घर में, रावण को घर में क्या नहीं था, सोने की लंका किसको पास, हम कितने पैसा कमा लेते जीवन में, मंदोदर जैसे पत्नी, मेघनाथ जैसे बेटा और सबा लाख ना कितना करोड़ नाती होती थी, रावण कितने थे। इसलिए शंकर जी कहते कि पापी को घर में भी ये रुपया पैसा धन दौलत सबको घर में होता है, दुष्ट बदमाशी करते हैं, लेकिन शंकर जी संत समागम हरि कथा, संतों का जो संग और जो भगवान की कथा पार्वती, ये बड़े किस्मत वालों को ये चीज मिलती है, ये सभी को नहीं मिलती पार्वती। इतने में पार्वती कहती है, बोले प्रभु अरे वो दो चीज किसको मिलती है, कहती है दो चीज जीवन में किसको मिलती है। तब शंकर जी कहते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर होई पावते इह संगत सोई। बोले पार्वती जब अति हरि कृपा जा पर होई, अगर भगवान की किसी जीव को ऊपर में भगवान की दो तरह का कृपा है, एक डायरेक्ट कृपा कहते हैं, इनडायरेक्ट कृपा पार्वती, जिसको ऊपर में भगवान की डायरेक्ट कृपा होती है पार्वती, अति हरि कृपा जिसको ऊपर भक्ति पार्वती पाव देहिया संगत सत्तम, जीवन में भक्ति कथा और सत्संग जीव को पार्वती तभी मिलती है। और जीवन में जब सत्संग मिल जाए पार्वती, समझना हमारी बड़ा पार हो, और संसार में भटकने का जरूरत नहीं, ठाकुर जी डायरेक्ट हमें अपना स्थान पर अपना घर में बुला रहे हैं। फिर पार्वती प्रश्न करती है, बोले प्रभु आप सत्संग की इतने महिमा बता रहे हो, जिसको ऊपर में भगवान की कृपा हो उसको मिलती है, सत्संग का फल क्या है, आप सत्संग की इतना जो महिमा बता रहे हो प्रभु, सत्संग की इतना महिमा क्या। शंकर जी कहते हैं, बोले पार्वती बोले मंजन फल दिखाई तत्काल काक उमराला। पार्वती मंजन फल दिखाई तत्काल, अगर सत्संग रूपी गंगा में अगर कोई गोता लगाएगा ना, कहते गोता लगाने का सात साल फल मिल जाते हैं। बोले क्या फल मिलती है, बोले काक होई पीक, अगर कौवा अगर गोता लगाए तो कौवा नहीं बोल जाएगा, पीक मतलब कोई बन जाएगा। हम लोग तो कौवे देखे हो ना, अब कोई कौवे के रंग कैसे है काले, और कोयल का रंग कैसे है वो भी काली है, लेकिन इनका जो आवाज में देखना सबको तो भरे थे। अगर कौवा बैठ कर के पास में का 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 करने लग जाएगा, लेकिन कब से बैठ कर कहा का कर जाएगा, का दर्द हो जाता है, लेकिन बसंत ऋतु में जो कोयले कूदती है कितने मीठी आवाज है, कितने मीठी आवाज। शंकर जी कहते पार्वती जो कौवा है ना वो कोयल बन जाता है, कौवा मतलब जो संसार की जो बात है,
आप डर कर जाते हैं। संसार का कोई भी बात सुनो, किसी व्यक्ति को पूछो कैसे हो, हाँ ठीक ठाक है, लेकिन उसको पास में बैठ करके बात करो, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बॉयफ्रेंड से दुखी, कोई गर्लफ्रेंड से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, देखना कोई मन से दुखी। एक व्यक्ति का दुख सुना ना अपना सर दर्द हो जाता है। एक व्यक्ति को पास कर सुना, इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती ये जो दुनिया की जो बात है कौआ की बात है, लेकिन जब सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाएगा वो कौआ नहीं वो कोयल बन जाएगा। कोयल मतलब है जो कोयल जो मीठी मीठी बोली बोलती है ना, है तो भगवान की कथा बोलेगा। दुनिया के अंदर उधर कोई बात वो नहीं करेगा, भगवान की कथा बोलेगा। और जो भगवान की जो कथा है बड़ा मीठा है, बड़ा मधुर है भगवान की कथा। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती सत्संग में गोता लगाने पर उसको वो कौआ कोयल मिल जाएगा और बगुला हंस बन जाएगा। है बगुला क्या कहता है ना, ढूंढता रहता है, उल्टा पुल्टा चीज खाती रहती है, लेकिन हंस मानस सरोवर में कमल मधुओं का आस्वादन करता है, कमल मधुओं का आस्वादन। शंकर जी कहते पार्वती जब कोई सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाएगा फिर तो भगवान के प्रेम मधु का आस्वादन। तो ये दुनियादारी चीज उसको अच्छी नहीं लगेगी, हैं? दुनियादारी चीज उसको शंकर जी कहते उसको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए पार्वती शंकर जी कहते पार्वती, लेकिन ये कथा तो भगवान बड़ा मधुर है मीठा है, लेकिन शंकर जी कहते पार्वती यहाँ पर कोई आएगा नहीं। शंकर जी कहते आप तक यही सारा अति कठिनाई राम कृपा बिनु आएगा जाए। भगवान बोलो घर में सब सत लोग संत लोग आएंगे, कीर्तन होगा, सत्संग होगा, बहुत कठिन से कोई समय निकलेगा, बहुत कठिन से। लेकिन पता चल जाए यहाँ पर शाहरुख खान ऐश्वर्य राय कोई हीरो हीरोइन आ रहे, कान में पड़ जाए फिर बोलना पड़ेगा तुम्हें, इतने लोग वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे। अभी आते समय कोई बोल रहे थे तो $200 टिकट, 250, 300, 400, 500 टिकट देख रहे ना वहां पर सबके सब, वो आने से पहले पहुंच जाएंगे, वहां आने से पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन शंकर जी कहते पार्वती आप यही सारा अति कठिनाई राम कृपा बिनु आएने जाए। जब तक भगवान की कृपा पार्वती नहीं बसनी, कहते पार्वती ये सत्संग कोई नहीं आए, हजार बहाना बदल सके, अरे यहाँ जाने का था हमको काम पड़ गया, ये पड़ गया, वो पड़ गया। अगर बोले भैया अच्छा काम निपटा करके आऊंगा, अपने काम निपटा होगा तो खुद निपट जाओगे, इसलिए काम कभी नहीं मिलेगा, हम स्वयं निपट जाएंगे, काम कभी नहीं निपटती है। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती बड़े भाग्य से भगवान की कथा और भगवान का कीर्तन सुनने को मिल गया है। इसलिए विमला देवी अपना घर में भक्तों को बुलाए, बोले घर में आओ हरि कीर्तन हरि कथा होगी। हाँ देखो जिस घर में भगवान की भक्त लोग आते हैं, घर में सत्संग होता है, घर में हरि कीर्तन होती है, कि तो घर घर नहीं कि तो घर भगवान का धाम बन जाता है, बोलो वृंदावन वो बन जाता है। घर का जितने दुख कष्ट है, घर की जितने समस्या है, कितना मंगल भवन अमंगल हरि, जिस घर में कीर्तन होगी, अगर घर में कोई दोष हो, जैसे घर में कोई दोष होता है उल्टा पुल्टा चीज होती है, जिस घर में भक्त लोग आकर कीर्तन सत्संग हो जाए वो घर घर नहीं, भागवत कहता है सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथा तुतादर तथा प्रसन्न। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते वो घर नहीं, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है, जितने सारे तीर्थ आकर घर में चले जाते हैं, और घर का जितने पाप घर से सबके सब घर से निकल जाते हैं। इसलिए आज हम लोगों का बहुत बहुत अच्छा दिन है, और आज का जो दिन है ना हमारे भारत में आज का दिन का बहुत महत्व है। आज है बसंत पंचमी, हम लोग तो भारत में लोग जानते होंगे, आज से ये ठंडा धीरे धीरे वहाँ कम हो जाएगा और ये बसंत ऋतु धीरे धीरे आ जाएगा, और जो आज आज से ये बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। और ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ कौन सा ऋतु है, कहते बसंत ऋतु सर्वश्रेष्ठ, ये बसंत ऋतु है सर्वश्रेष्ठ ऋतु आज इसको बताया। इसलिए बसंत ऋतु में हम अब लोग भारत में जाओगे देखोगे ना सब जगह में सरसों का वृक्ष है, और सारे वृक्ष में नए नए कोमल कोमल पत्ते आ जाते हैं,
और वहां पर भारत में देखोगे चारों तरफ में जो रथ है ना बसंत ऋतु है ना, जो बसंत कलर का जो रथ है चारों तरफ में बसंत कलर देखने को मिलेगा। बसंत रथ तो जो माता जी पहनी है वो कलर वो जो पहने रहे वो जो पहने इसका जो सालवार भी बसंत रंग है और भैया जो पहने रहे ये सब बसंत रंग है। इसलिए बसंत ऋतु में पूरा चारों तरफ में यही यही कलर और कुछ कलर नहीं। माता जी ने बोल के क्या है चादर है ये बासा भी रह गए वो भी है बासा भी रह गए ये बासा भी रह गए सब के सब। इसलिए आज भगवान आज बासा की रास करते हैं और बासा की रास में जितने गोपियां और कृष्ण का जो वस्त्र का रंग कैसे बसंत रह गए। आज का दिन जितने गोपियां राधा रानी आप जितने मंदिर में वृंदावन में जाओ सबके सब बसंत रह के ठाकुर सब बसंत रंग पड़े और सबके सब आज भगवान इसी रंग को धारण करते हुए आज प्रभु जी रास लीला करते हैं। इसलिए बासंत रास में चार तरह का रास होता है, एक नित्य रास है, एक महाराज, एक सरसीय रास है और एक बासंत रास है। इसलिए आज रवि ठाकुर जी ये बासंत रास करेंगे जिस रास में केवल कृष्ण के सुपक्ष गोपियां होती हैं, कोई विपक्ष और तटस्थ कोई गोपियां नहीं, वो सबके सब सुपक्ष गोपियों को लेकर के आज भगवान की रास करेंगे। और पूरा का जो प्रकृति है जो प्रकृति प्रकृति मतलब होता है जो प्रकृति कहते मूल प्रकृति कौन है बोले श्री राधा रानी। मूल प्रकृति श्री राधा रानी भगवान की जो भादनी शक्ति उनकी स्वरूप शक्ति उनकी पराशक्ति ये मूल शक्ति है। इसलिए वो मूल प्रकृति कौन है श्री राधा रानी मूल प्रकृति। इसलिए संपूर्ण जो वहाँ के जो रंग है आज के सब पूरा पीले रंग है सबके सब पीले रंग है। और राधा रानी के अंग का रंग कैसे है कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। राधा रानी का जो अंग का रंग है वो पीला रंग है। इसलिए संपूर्ण जो प्रकृति हाँ हमारे भारत में संपूर्ण प्रकृति पूरा पीला रंग का धारण करता है। इसलिए आज से बसंत पंचमी और भारत में आज हम लोग को पता होगा सरस्वती पूजा आज होती है स्कूल में घर घर में बंगाल हो तो हर घर घर में सरस्वती पूजा भी होगी बंगाल में हर घर में सरस्वती पूजा होगी और साधारण रूप में स्कूल कॉलेज में आज के सब सरस्वती की पूजा होगी क्योंकि यही बाहर देती है इनकी कृपा से जीवों को जो विद्या प्राप्ति होती है इनकी कृपा से ही विद्या प्राप्ति होती है। इसलिए आज श्री सरस्वती पूजा की आज है इसलिए आज भारत के लिए बहुत अच्छा रीति है। आज भारत में बहुत सबके सुकार है नाच रहे हैं सब कीर्तन कर रहे हैं सब और वृंदावन में तो सोच नहीं सकते वृंदावन में जाओगे ना इतने टहल चहल मचा हुआ हर मंदिर में दर्शन है ठाकुर की मगर रास की दर्शन है श्रृंगार की दर्शन है बहुत वृंदावन में तो धूमधाम वृंदावन में हो रहे हैं उनके सब। और आज का दिन कहते हमारे संप्रदाय में तीन चार संतों का आज तिथि है तीन चार संतों का आज तिथि है। इसलिए एक संत है हमारे संप्रदाय में जिनका नाम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत प्रभु क्या स्पीक समथिंग अबाउट रघुनाथ दास गोस्वामी फाइव मिनट कैन स्पीक स्टार्ट आता ओनली फाइव मिनट कैन टेल नॉट सो मच प्लीज प्रेम प्रीति देखो हमारे संप्रदाय में आज बहुत बड़े संतों का बहुत सारे संतों का प्रीति है। एक संत है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी कहते उनको छह गोस्वामी वृंदावन में सात गोस्वामी और किसको नहीं बताया गया इसलिए छह गोस्वामी हुए एक एक श्री रूप गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं श्री श्री सनातन गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ये छह गोस्वामी हुए ये छह गोस्वामी। गोस्वामी मतलब होता है गो मतलब होता है इंद्रिय स्वामी मतलब होता है जिन्होंने संपूर्ण अपना इंद्रिय को अपना जो कंट्रोल कर लिया है। इसलिए से रूप गोस्वामी उनकी उपदेशामृत में जो पहला श्लोक है बोले वाच वेगम मनस क्रोध वेगम
जिवा वेगम उदर उपस्थ वेगम इतान वेगान जो विषय ते धीरा सर्वा अपिमाम पृथ्वी सस्या। प्रभु स्वामी कहते हैं अगर ये छह चीज को कोई कंट्रोल कर ले, ये छह चीज को जगत में कोई कंट्रोल कर ले तो वो गोस्वामी बन जाए। विश्व ब्रह्मांड उनकी पूजा करते हैं। विश्व ब्रह्मांड पहला जो वेग है बाहर से वेगम, अपना वाणी का वेग को कोई कंट्रोल कर ले, लेकिन देखना सबको कंट्रोल कर सकते लेकिन पानी को कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। इसलिए गुरु जी कहते थे सब में हड्डी है, देखना अंगुल में हड्डी है सीधा हो जाता है, हाथ में हड्डी सीधा हो जाता है, पैर में हड्डी चलते हैं, कमर में हड्डी बैठते हैं, लेकिन एक ही चीज में हड्डी नहीं है। बताओ तो इसमें हड्डी नहीं, इसमें हड्डी नहीं, ये जीवा में हड्डी नहीं। इसलिए हर्ष में लपर 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 जीवा हर्ष में बोलते रहते हैं। और जितने घर में अशांति दुख कष्ट का कारण जीवा है, ये महाभारत में क्यों हुई है, बल्कि ये जीवा का कारण है। ये महाभारत द्रौपदी जीवा का चला गया, इतनी सी बात बोलती दुर्योधन को अंधा का बेटा अंधा होता है, बस इतनी केवल चीज महाभारत में चल गया। ये रामायण क्यों हुई, ये सीता ने भी जीवा का चला दी, सीता ने केवल इतनी सी बात बता दी जिस समय तो मारी चीज हिरणा मन करके आया, सीता बोले उसको पकड़ करके ला दो, रामचंद्र चले गए, लक्ष्मण को बोले खबरदार यहाँ से कहीं जाना नहीं, यहाँ से दैत्य लोग रहते कहीं जाना नहीं। उन्होंने लक्ष्मण रेखा को उन्होंने काट करके गए, इतने में वो तो था राक्षस, राम ने जो बाण मारी इतने में बड़ी जोर से चीखा भैया लक्ष्मण, सीता ने बोले सुन ला राम को ऊपर कोई विपत्ति आई, उनको बताए राम को ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती है, हैं? उन्होंने जाना नहीं चाहती थी लेकिन सीता ने क्या बताया, ओ अभी मैं समझ रही हूँ तो साथ में क्यों आया था, ये सोच रहे हो राम मर जाएगा पर मैं शादी कर लू, वो तो सीता को अपना माँ समझती है, अगर सीता ऐसे बोले कैसे सहन कर सकती है। इसलिए उसने गए तो सीता ने दो गलती की, पहला गलती की तो ये जीवा का चलाई, दूसरे गलती की जो लक्ष्मण रेखा उसने काट ले गया था ना, वो लक्ष्मण रेखा को उन्होंने उल्लंघन किया। हाँ देखो यहाँ शिक्षा देती है, जितने माताओं के लिए शिक्षा देती है, ये माताएं दो चीज के लिए सावधान रहनी चाहिए, एक में तो जीवा मत चला उल्टा पुल्टा। अब देखना घर में जितने लड़ाई झगड़ गए यही कुछ हुआ है नहीं, केवल जीवा कैसे स्लीप कर गया तुम्हारे, बोले किसने हम कैसे बुलाया। आप देखना भाई भाई बहू बहू पूरा घर में महाभारत शुरू हो जाती है केवल इसी जीवा का चक्कर से। इसलिए कहते जीवा पे कंट्रोल करनी चाहिए। दूसरी चीज कहते अपना मर्यादा को कभी उल्लंघन हमें नहीं करना चाहिए। पर रावण का आग्रह ले जाएगा, रावण आग्रह, इसलिए कहते हैं छह जो इंद्रियों को जो कंट्रोल कर लेते हैं, बाह्य वेगम मन वेग क्रोध वेग जीवा उदर और उपस्थ, पृथ्वी का गोस्वामी बन जाता है, पृथ्वी का पृथ्वी उसको शिष्य बन जाता है। इसलिए जो छह गोस्वामी लोग थे इन लोगों ने ये छह ये चीज को कंट्रोल किया है, इसलिए उनको गोस्वामी कहते हैं। कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, हम आज एक संत का कथा सुन रहे हैं, इनका जो चरित्र है वो अद्भुत चरित्र है। साधारण हमारे भारत में साधारण लोगों का जो भावना है ये साधु कौन बनते हैं, बोले साधु वही बनते हैं जिनको पैसा कमाने का कोई उपाय नहीं है, लिखा पढ़ा उतना सिखाई नहीं, काम धंधा कर ही नहीं सकते, इसलिए साधु का चूल्हा बेल ली और अपना जीविका निर्वाह कर रहे हैं। साधारण लोगों का ये भावना है, लेकिन जो छह गोस्वामी थे ना वो इतने इतने बड़े बड़े घर के संतान थे। रूपो गोस्वामी सनातन गोस्वामी को जानते हो, उसी समय नवाब का जो प्राइम मिनिस्टर पद में श्री सनातन गोस्वामी थे, और श्री रूपो गोस्वामी फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में रूपो गोस्वामी थे। कदी रघुनाथ दास गोस्वामी आज जो संत की कथा सुनने जा रहे, इतने पैसा वाले जिनके लिए बताया इंद्र के बराबर जिसको घर में ऐश्वर्य, दो भाई में एक भाई का संतान है और एक का संतान नहीं, कहते उसी समय में इनकी वार्षिक आय कितना थी, बोले 7 लाख स्वर्ण मुद्रा, 7 लाख स्वर्ण मुद्रा इनकी एक
साल की इनकी कमाई थी, इतने पैसा वाले थे, इतने पैसा वाले थे। लेकिन जब इनकी प्रेम प्रीति जब श्री ठाकुर जी के चरण में लग गई, भगवान के चरण में लग गया, बोले भगवत चरण में लगा कैसे, बोले संतों की कृपा से। इसलिए कहते ना जितु सप्त संगम विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। इनको कृपा कैसे हुई, बोले श्री हरिदास ठाकुर महाप्रभु के जो भक्त थे जिनका नाम था श्री हरिदास ठाकुर, जो दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते थे, इनकी संग मिला उनको, इनकी संग से ही। क्योंकि बताया भक्ति सिंधु भगवत भक्त संगीत परि जाए, भक्ति कब मिलती है, बोले जब तक भक्तों का संग्रह नहीं करेंगे तब तक हम भक्ति मिल नहीं सकती। इनकी कृपा से ही इनकी महाप्रभु का चरण अनुराग हो। अब ये चाहते करके वृंदावन में जाए भजन करें, वृंदावन में जाकर के भजन करें, लेकिन इनकी जो पिता माता की एक ही बेटा है, एक ही बेटा, दो भाई के एक संतान नहीं, एक है एक ही बेटा, घर में अथा संपत्ति। आप लोग तो भारत में आपको बताओ, हर पिता माता सोचते हैं भविष्य में ये सारे काम धाम और बिजनेस को कौन संभाले, सबके सब यही चाहते हैं हमारा परवर्ती समय में हमारा बेटा रहे, घर में बहू आएगी, घर नाती पोती होगा, सभी पिता माता की भावना है घर में, है हमारे ये भारत का संस्कृति है, सब चाहते एक कटे हम बच्चे पिता माता बेटा बेटी नाती पोती सबको लेकर रहेंगे। लेकिन ये साधु बनने के लिए तैयार है, घर छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े घर के फिर उनको जोर जबरदस्ती जा करके पकड़ पकड़ कर उनको लेकर के आते हैं, चले जाते हैं पकड़ पकड़ कर लेकर आते हैं। एक इनकी जो मैया थी उनको पिताजी से कहते हैं, बोले क्या कर रहे हो, ये बारम्बार घर छोड़ कर भाग जाते हैं, आप उसको पकड़ पकड़ करके ले जाते हो, एक काम कर लोहे की जगह से उसको हथियार बांध कर रख लो, फिर घर से निकल कर पाएगा। तो उनको पति कहते हैं, बोले देख बच्चे लगता है तुम पागली हो, जगत में दो ही चीज है जो इसी जगत में पुरुषों को बांध कर रखने वाले, पहला नंबर है पैसा, दूसरे नंबर है पत्नी, यही दो चीज जगत में सबको बांध कर रखे। लेकिन ये दो चीज हमारे घर में परिपूर्ण रूप में, इंद्र के बराबर तो पैसा है और पत्नी बोले अक्षर जैसे सुंदर पत्नी, ये जीवन पर सिंथल है। लेकिन जब हमको ये जीवन पर जब सेंचुरी बांध नहीं पाएगा, ये जड़ जो है जो बंधन है पैसा स्त्री, उनको कैसे बांध पाएगा। इसलिए कहते चैतन्य बहादुर जाने के राखी के बारे, इसका मतलब है एक बार अगर भगवत प्रेम में कोई डूब लो, कृष्ण प्रेम में एक बार कोई अगर दीवान लो ना, फिर जगत का कोई भी बंधन उसको बांध नहीं सकती, कोई भी बंधन उसको बांध नहीं सकती है, है? कोई बंधन। इसलिए तब श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में जो गए तब महाप्रभु ने तो बात समझाया, ये सभी के लिए सिखाया, एक बात समझाते हैं, बोले देखो स्थिर हया घरे जाओ नहाओ बासो, स्थिर होकर घर में वापस जाओ, ये पागल बड़ मत करो, क्योंकि घर वाले छोड़ रहे आ जाते हो, पिता माता फिर तुमको पकड़ घर में ले जाते हो, चले जाते हो, आ जाते हो, ये एक तरह का लोग हंसा ही है। इसलिए घर में स्थिर होकर के जाओ और जत्था जो दूसरे भोज अनासक्त हो गया, जितने जरूरत है उतना को ग्रहण करते हुए अनासक्त होकर घर में रहो और भगवान की भक्ति करते रहो। धीरे धीरे जब तुम्हारी संस्कार बढ़ेगी फिर भगवान सब कुछ व्यवस्था कर देंगे, कैसे तुम भजन करोगे नहीं करोगे, ठाकुर सारी कुछ व्यवस्था ठाकुर कर दे। इसलिए घरे हरिया स्थिर हरिया नाजव बातुर क्रमे क्रमे पाए जी भगवान, जीव धीरे 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 भगवत प्राप्त करता है। जब घर में वापस जाओ, घर में जो लोग व्यवहार है जैसे पिता माता है जैसे सम्मान देने चाहिए, परिवारों में जैसे सम्मान देने चाहिए, वैसे सम्मान दे दे सबको साथ में स्थिर होकर जाओ। जब रहे एक दिन उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु को दर्शन करने के लिए गए, श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा तू चोर हो, कहते तुम चोर हो, क्योंकि जो राधा कृष्ण का जो किसकी संपत्ति है, कहते श्री नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु का संपत्ति,
इसलिए बोले निताई करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे, हेना निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाए बिने। जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं हो तब तक भगवान नहीं मिल सकते, क्योंकि गुरु है, उनकी कृपा से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। बोले हम उनको दंड देंगे। बोले क्या दंड दोगे? कहते भक्ति जगत में दंड भी बहुत सुंदर है। बोले क्या? बोले सारे भक्तों को प्रसाद मिला, सब भक्तों को तुम प्रसाद मिला। बंगाल में चिड़वा जाते हो, वहां पर चिड़वा दही और उसमें संदेश केले केले डाल के ना बंगाल में एक तरह का प्रसाद होता है, ये बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है। बोले तो भक्तों को चिड़ा दही और उसमें संदेश दूध और डाल करके सारे भक्तों को तुम खाना खिलाओ, वो तो बहुत बड़ी हरकत है। नाव में भर करके लाए और सारे भक्त लोगों को बुलाया, चैतन्य महाप्रभु भी आए, सारे भक्त लोग आए। जब उन्होंने भक्तों को प्रसाद खिलाया तब नित्यानंद प्रभु इनके ऊपर आशीर्वाद दिए, इनके सर के ऊपर अपना चरण रखे, विजाओ तुमको कृष्ण प्राप्ति हो जाएगा। फिर तो उन्होंने घर छोड़कर गए, तो फिर घर छोड़कर पूरा के पूरा गए, फिर उनको कोई वापस नहीं लाया। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं इसका शिक्षा क्या है? बोले शिक्षा है, बोले जब तक भक्त लोग प्रसन्न नहीं होते ना, बोले भक्तों का हृदय में भगवान की निवास है, इसलिए महाप्रभु दो बात उन्होंने शिक्षा दी है। बोले एक का नाम संकीर्तन करो, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम, और तो दूसरी जो है कहते भक्तों की सेवा करो। ये दो चीजें अगर करोगे जल्दी से जल्दी तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि जब तक भक्तों की सेवा नहीं करेंगे तब तक हमारे संस्कार नहीं बनेगा, हमारी सुकृति नहीं बनेगी। फिर तो उन्होंने गए तो पूरा पूरा 12 दिन करा, 12 दिन में केवल 3 दिन उन्होंने इसी तरह से तुम भोजन किया और पूरा बंगाल से चलते 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 जगन्नाथपुरी से पहुंच गए। जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, ठाकुर जी की तुम्हारी पर विशेष कृपा है, तुमने ये विषय का मोह को छोड़ करके तुमने आए, ये कर्ण जन्म का पुण्य रहने पर कभी कभी ये माया ममता को छोड़ सकते हैं, हमें बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के फिर उन्होंने स्वरूप दामोदर को उन्होंने अपने आता स्वरूप को दे दिए, इसलिए इनका एक नाम है स्वरूप मेरे गर्भ, फिर उनको प्रदान की। उनको प्रदान की तो अभी वो खाना कैसे खाते हैं, उनको पिता वाले को जो पता चला मेरा बेटा फिर चला गया, उसने 5-6 सेवक को भेज दिया, तू बहुत बड़ा पैसा वाला था, 400 उन्होंने स्वर्ण मुद्रा और 4-5 सेवक को भेज दिए, क्योंकि इतने बड़े घर के बच्चा है और उन्हीं लोग आकर के उनको सेवा करते थे। कभी कभी महाप्रभु निमंत्रण देते थे महाप्रभु को, लेकिन महाप्रभु केवल ऊपर ऊपर से ग्रहण करते थे। उन्होंने देखा महाप्रभु प्रसन्न है, उसको भी उन्होंने त्याग दिए। बोले कैसे खाते हैं? बोले वहां पर जगन्नाथ मंदिर, हम लोग गए जगन्नाथपुरी, कौन पर जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी को वहां पर मंदिर में आप देखे होंगे अंदर में जगन्नाथ जी को दाल भात सब्जी सब बिकता है, जो लास्ट में जो बिकता नहीं वो मंदिर को बाहर में जो दुखी दरिद्र लोग बैठे हुए होते हैं पर ला कर के उनको खिला देते हैं। वो इतने बड़े घर के होकर के वही दरवाजे के सामने खड़े रहते थे, जो चीज नहीं बिकता था जब उसको देते थे उसको खा कर के भजन करते थे। लेकिन महाप्रभु इसी में भी प्रसन्न नहीं हुए, बोले तो वैसा वृत्ति, कोई आएगा मेरे को देगा, कोई आएगा मेरे को देगा, ये वैसा वृत्ति है। पर उसको भी उन्होंने त्याग दी। पर जो चावल बिकती नहीं, 2 दिन बाद में जो सड़ जाती है उसको जो फेंक देते हैं, वो उसको धो करके 2-3 बार धो करके उसमें थोड़ा नमक दे करके ना उसको ही खा लेते, और 3 रात उन्होंने भजन करते थे। बोले उनका भजन का पद्धति कैसे था? बोले 23 घंटा तक तक वो हरिनाम भजन करते थे, किसी तरह से 1.5 घंटा कभी सोते थे, और जब भी सोते थे उस स्वप्न में भी भगवान को दर्शन करते थे। मतलब इतने भजन करते थे, इतने भजन करते थे, इतने कठोर उनकी साधन भजन। जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला, महाप्रभु एक दिन देखा क्या खा रहा है, इतने बड़े घर के बच्चे, फिर महाप्रभु आकर ना एक बार खा ली, 2 बार खा ली, फिर स्वरूप का मतलब हाथ पकड़ ली, जो प्रभु जी आपकी भोजन नहीं, आपका योग्य नहीं है, ऐसे उन्होंने भजन किया। फिर महाप्रभु का आदेश से फिर वो आए जगत, आए वृंदावन में। महाप्रभु को 2 चीज दिए थे,
एक तो गिरिराज शिला और एक गुंजामाला, बोले जो गिरिराज शिला ये कृष्ण, ये गुंजामाला स्वयं ये राधा है। वो दो चीज को लेकर के राधा कुंड में आए और राधा कुंड में रह करके भजन करते थे। जब राधा कुंड श्याम कुंड का बीच में बैठ करके भजन करते थे, केवल एक चूल भर मट्ठा पी करके और कुछ नहीं, और सारा दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भजन करते थे धूप में बैठ करके, राधा रानी स्वयं आती थी और उनको पीछे खड़े होकर के अपना चुनरी से राधा रानी को छाया सर पर छाया करती थी, खड़ी होकर छाया करती थी। एक दिन सनातन गोस्वामी ने देखा, बोले तुम राधा रानी को क्यों कष्ट देती हो, बोले कब कष्ट दिए, बोले मैंने दूर से देखा तू जो भजन कर रहा था, राधा रानी पीछे से आकर के तेरे सर के ऊपर छाया करके खड़ी थी और तेरे पास में देखा बाघ को पानी पीते हुए, खबरदार ऐसे राधा रानी को कष्ट मत दिया करो। फिर उन्होंने ये छोटी सी कुटिया बना दी और वो कुटिया में रह करके उसी में ही भजन करते थे। रोज गिरिराज परिक्रमा करना, 1,00,000 हरिनाम करना, साधु संत को उद्देश्य में 1,000 बार उनको दंडवत प्रणाम करना, ऐसे उनकी साधना भजन की। इनकी तो बहुत बहुत कथा है, हम इनकी कथा कल किस कथा सुनेंगे, आज और एक संत की कथा है उसकी कथा तो सुन लेते हैं। आज है कि रघुनंदन एक हुए हैं कि आज भी उनकी भी जन्मतिथि है, आज भी उनने जन्म हुए। वो ऐसे ऐसे संत थे, इनकी दो अद्भुत कथा है। बोले एक समय कि पिताजी कहीं दूर जगह पर किसी काम से गए और इनको बेटे को बोल रहे, बोले बेटा उनको घर में लड्डू गोपाल, जैसे लड्डू गोपाल है ना, हाँ ये लड्डू गोपाल घर में थी, वो छोटे बच्चे थे, जैसे ये छोटा बच्चा है ना, ऐसे छोटा बच्चा था। लेकिन बोले देख बेटा मैं जा रहा हूँ बाहर काम के लिए, लेकिन ये ठाकुर लड्डू गोपाल को ठीक से भोग लगाना, उसकी सेवा करना ठीक से। बोले ठीक है पिताजी हम सेवा करेंगे। जब गए तब उन्होंने ठाकुर जी को लड्डू भोग लगाया, जब लड्डू भोग लगाया अभी ठाकुर जी खाए नहीं रहे थे, इतने में बोले आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो, अब तो पिताजी हाथ से रोज खाते थे, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं ना पिताजी जैसे भोग लगा तो उन्होंने देखा नहीं, उनको लगा जैसे हम खाना खाते हैं और ठाकुर भी वैसे खाना खाते हैं, लेकिन जो ठाकुर को दिया उन्होंने खाए नहीं और रोने लगते थे। पर ठाकुर जी नाराज हो गए कि अब खाना नहीं खा रहे, जो उन्होंने बोले सचमुच से ठाकुर जी और जो लड्डू दिया था ठाकुर जी खाना शुरू करते, उन्होंने खाना शुरू करते ठाकुर जी। अभी जो पिताजी आए और ठाकुर को भोग लगाया लड्डू, पिताजी बोले प्रसाद लाओ, बोले ठाकुर तो खा लिए, बोले ठाकुर तो खा लिए। पिताजी को बड़ा आश्चर्य लगा, बोले इतने दिन से मैं ठाकुर जी को सेवा करता हूँ, ठाकुर जी हमारे हाथ से कभी खाए नहीं और तुमने लड्डू भोगा लगाया तो ठाकुर जी लड्डू खा लिए। अब उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा पिताजी को, पिताजी आश्चर्य लगा। इतने में पिता देखने के लिए आए जो उन्होंने भोग लगाए, क्या सचमुच से ठाकुर खा लेगा ना कि खुद खा लेगा। जब पिताजी देखने के लिए आए ठाकुर जी खा रहे थे, वो आधा लड्डू खा चुके थे, अभी हाथ में आधा लड्डू था। इतने में हमको पिताजी आकर तो उन्होंने देख लिया, उनको पिताजी का नाम था मुकुंद और उस बेटे का नाम था रघुनंदन। जब उन्होंने पिताजी देख लिए, ठाकुर जी खाते समय बस आधा खाना भी छोड़ देते और खाए नहीं। अब अभी भी आप जा करके देखोगे और ठाकुर जी के हाथ में आधा लड्डू और उन्होंने मोड़ करके देखा है ना, वो आ गए पिताजी हाथ में मोड़ करके देखे ठाकुर जी का जो था ना, जो मोड़ कर देखा ठाकुर जी ऐसा सर है, वो सीधा नहीं, वो सर भी ऐसे बुरा हुआ सर है और हाथ में आधा लड्डू अभी भी वैसे, मतलब वो ऐसे एक संत हुए हैं। और एक दिन पिताजी चैतन्य महाप्रभु इनके जो पिताजी मुकुंद को एक दिन उन्होंने एक प्रश्न किए, बोले मुकुंद ये बताओ जो रघुनंदन है तुम्हारे पिता ना, तुम उसको पीते वो चक्र में पड़े, बोले वो ऐसे क्यों बात कर रहे, उनको तो बताए मैं तो मुकुंद का पिता, कहते मैं तो पिता हूँ,
प्रभु ने अंदर मेरे बेटा है वो कैसे जो प्रश्न कर रहे वो समझ गए, बोले प्रभु जी जो रघुनंदन है ये मेरे गुरु है, मैं उनको पुत्र हूँ, वो मेरे पिता, मैं उनको पुत्र हूँ, ऐसे क्यों बोले? बोले आपका चरण में जो आया पहले कौन आया? बोले मेरे बेटा पहले तुम्हारे चरण में आया, उसको देख करके सर में भजन में आया, इसलिए जिससे कृष्ण भक्ति मिलता है वही होता है पिता, इसलिए वो मेरे बेटा को बोला है तो मेरे पिता है और मैं उसको पुत्र हूँ। इसका मतलब है जिससे हमें भगवान की भक्ति मिलती है वही हमारे होते हैं, पिता वही होता है और गुरु वही होता है। इसलिए समय कितना टाइम बढ़ गया ना, टाइम बढ़ गया। हाँ, इसलिए आज बहुत सारे संतों का चरित्र है, कल हम लोग सुनेंगे और कुछ कुछ भक्त लोगों का चरित्र है। एक श्री विश्वनाथ चरण ठाकुर, श्री भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज हैं और श्री विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर रघुनाथ दास गोस्वामी का बहुत अच्छी अच्छी बात है। आज बहुत ज्यादा हो गया इसलिए कल फिर हम लोग को ये सारी कथा को फिर हम लोग कल सुनेंगे और इनके घर में कुछ कुछ नए नए तो भक्त लोग कुछ आए हैं, कुछ कुछ हम तो दोस्त लोग आए हैं, जब ये आए हम लोग कहाँ से आए हो? हम लोग कहाँ के? नहीं बाहर का से, हैदराबाद। हैदराबाद से आए, तुम कहाँ से आए? फिजी के। अरे आप गंगानगर से आए, इसलिए देखना तुम्हारे बेटा भैया वो भी आई है, ये पोते मंदिर है, अंबाला में हमारे वहाँ मंदिर बन गई है। हाँ अंबाला में ही बन गई है, एकदम शहर से थोड़ी दूर में 10 मिनट दूर में हमारी मंदिर बन गई है वहाँ पर। इसलिए देखो आप लोग तो सब भारत के लोग हो, भारत का मतलब जानते हो? भाव मतलब होता है प्रकाश, रत्न मतलब है जो प्रकाश का तरफ में हर समय रहता है, जो हर समय प्रकाश की तरफ में चलते हैं, इसलिए इनका नाम भारत है। हम लोग बड़े भाग्यवान हो जो भारत से आए हो, लेकिन इधर आकर के ना अपना संस्कृति को रखा, इधर रुकोगे ना चले जाओगे, आप इधर रुकोगे ना चले जाओगे भारत में, एक साल के लिए आए, ठीक है। ये बीच बीच में ना हमारे भारत से सब भक्त लोग आते हैं बीच बीच में, और ऐसे घर घर में ऐसे भगवान का कीर्तन सत्संग घर घर में होता है, इसलिए आप लोग इनके एड्रेस ले लीजिएगा, ठीक है ना, इनका एड्रेस ले लीजिएगा और आप लोग है ना इनको बुलाते रहे, जब जब कहीं आप भक्तन हो कीर्तन हो हरिकथा हो आप इनको बुलाते रहना और आप लोग भी आते रहिएगा, ठीक है ना, आते रहना, भगवान की कथा सुनेगा तो शांति मिलेगी, है ना। ये भक्त लोगों का साथ में मिलकर रहना जुलते रहना, ठीक है ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरे कृष्णा। हाँ सबके सब हम खड़े होकर के थोड़े समय कीर्तन करेंगे, ठीक है, और भगवान को सामने सब उसमें नाचेंगे। कल कौन कौन गए थे कीर्तन में? कौन कौन थे कीर्तन में? वहाँ पर बड़ा आनंद आया है, तो नाचे गुजे, इसलिए अब सबके सब खड़े हो जाओ, खड़े होकर थोड़े समय हम सबके सब कीर्तन कर। आरती करो, कल प्रोग्राम कहाँ पर है? प्रभु आप इधर हैं, सबको फोन करेंगे, नए के लोग आएंगे, सबके सब बोल रहे हैं।